लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया। मैं सान्या जैन। आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों पर। सुपरस्टार अक्षय कुमार की धमाकेदार फिल्म मिशन मंगल का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि काफी धमाकेदार लग रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू और शर्मन जोशी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर में फिर से वैज्ञानिकों की मेहनत और किस तरह से इसरो ने मंगल ग्रह तक अपना रास्ता तय किया, वो सभी दिखाया गया है। सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के मिलने वाले स्पेशल स्टेटस को अब खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुमा अपने कश्मीर के लोगों के लिए काफी चिंतित नजर आई। हुमा के ट्वीट पर लोग उन्हें गुस्से का शिकार बना रहे हैं। अब ऐसे में हुमा कुरैशी का कश्मीर के लोगों के लिए फिक्रमंद होना थोड़ा महंगा पड़ गया है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने फिल्म दबंग 3 के सेट पर मोबाइल फोन लाने पर रोक लगा दी है। सलमान की आने वाली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म से महेश मांजरेकर की बेटी सही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। फिल्म में सलमान अपने कैरेक्टर चुलबुल पांडे का जवान और बूढ़ा दोनों अवतार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म पहली दोनों फिल्मों की प्रीक्वल बताई जा रही है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक का लहर है। सुषमा की छवि इतनी दमदार थी कि उनका हर कोई दीवाना था। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन पर एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें एक्ट्रेस तब्बू सुषमा का किरदार निभाएंगी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हाल ही में सारा अली खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सारा की ये तस्वीर उस वक्त क्लिक की गई जब वे लखनऊ से मुंबई वापस आई। इस दौरान उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पर अपना सारा सामान खुद उठाया। इस तस्वीर को देखकर दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि शानदार सारा, तुमने ये मिसाल पेश की है कि सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपना सामान खुद उठाने में कोई हानि नहीं है, रिसीव करने के लिए कोई चमचा नहीं होना चाहिए। तुम बिना किसी असुरक्षा के अपने आत्मविश्वास को जाहिर करती हो, ऐसे ही बनी रहो। एक्ट्रेस एमी जैक्सन अपने प्रेगनेंसी पीरियड को काफी एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में बेबी बम प्लांट करते हुए एक फोटो शूट कराया है। 7 महीने की प्रेग्नेंट एमी जैक्सन ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपना बेबी बम प्लांट करते हुए अपनी टॉपलेस तस्वीर शेयर की है। बाहुबली एक्टर मधु प्रकाश की पत्नी भारती ने आत्महत्या कर ली है। ये घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मधु मंगलवार शाम को करीब 7:30 बजे जब अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि भारती ने फांसी लगा ली है और उनकी बॉडी पंखे से लटकी हुई है। भारती की आत्महत्या करने का सही वजह तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों की माने तो भारती को शक था कि उनके पति का अफेयर उनकी एक को स्टार से चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। 15 अगस्त को होने जा रही बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम स्टार फिल्म बटाला हाउस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह फिल्म साल 2008 में हुए बटाला हाउस एनकाउंटर से प्रेरित है और अब इस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की पत्नी ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस जारी किया है। शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने अपनी पति की छवि को बचाने के लिए लीगल नोटिस जारी करने का फैसला किया है। आज दादा कोंडके की बर्थ एनिवर्सरी है। उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को हुआ था। मराठी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता दादा कोंडके को आम आदमी का हीरो माना जाता है। फिल्मों में उनकी डबल मीनिंग कॉमेडी को खास पसंद किया गया। एक दौर था जब उनकी 9 फिल्में 25 सप्ताह तक सिनेमा घरों में चली थी। ये गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। प्रभास और श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो का ट्रेलर 10 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इसकी जानकारी मेकर्स ने यूवी क्रिएशंस के ऑफिशियल अकाउंट पर एक नया पोस्टर शेयर करके दी। उन्होंने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, इंतजार खत्म हुआ। इस साल का सबसे बड़ा और मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेलर 10 अगस्त को रिलीज होगा। साहो दुनिया भर के सिनेमाघरों में 30 अगस्त को रिलीज होगी। बॉलीवुड की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।